हेलो एवरीवन, आज आम संस्कृत प्रभा पुस्तक जो पढ़ी तार अवशिष्ट जो रही जाता आज आलोचना करवा से कौन थिला आम पढ़ी से कपोतीटा पिंजराबद्ध हो जाठार कौन हो बहुत घूर्णिबात्या आसी बहुत जोरे वर्षा होपर बहुत जोरे पवन आसी किंतु तापर कौन है चलत देखा एवं स विलपति तदा पिंजराबद्ध तस्य भार्या तस्य वचनम अश्रुणोत् भर्तारं दुखितं ज्ञात्वा कपोती भृशं दुखिता भर्तुः प्रीतिं विलोक्य सा आत्मनं कृत्या कृत्यम् अमन्यत् अथ सा अब्रवीत् एकान्त शकुनिलब्धक अद्य तव अन्तिकं समाश्रितः स सीतार्थः क्षुधार्थश्च तस्य यथाशक्ति सत्कारं कुरु। पत्नी वचनं श्रुत्वा कपोतः बाष्पफुललोचनं सञ्जातः स कपोतः पक्षी जीवितं जीविनम् अपकारिणम् अपि यत्नेन पूजयामास तस्य सत्कारार्थं प्रणयेन सह उवाच शरणागतस्य कर्तव्यमातिथ्यमिह यत्नतः पञ्चयज्ञ प्रवृत्तेन गृहस्थेन विशिष्यत। एवं स विलपति एहिपरि भावरे सह विलपति से विलाप कला किए से कपोत काहीकि ता पत्नी खाद्य अन्वेषण पाई जाए किंतु सेठारे कौन हो बहुत जोरे वर्षा हो घूर्णिबात्या आरंभ हो जाए किंतु ता पत्नी आसी ना एवं राति पढ़ाक लगी भावी से विलाप कला तदा पिंजराबद्ध तस्य भार्या तस्य वचन अश्रुणोत् एवं से कपोत जो गच्छरे रहुतला ता तर ता से गच्छर तले कौन हो आसिकी से शिकारीटा आश्रय नहीं तदा पिंजराबद्ध बद्धा तस्य भार्या सेते बेले कौन है से कपोतीटा तस्य वचन अश्रुणतार स्वामीर विलाप को शुणिला भर्तारं दुखितं ज्ञात्वा 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 कपोती भृशं दुखिता भृशं नाम बहु दुखिता स्वामी भर्ता नाम ज्ञात्वा से ही स्वामीर दुख को शुणी जानी से कपोती की बहु दुख अनुभव कला भर्तुः प्रीतिं विलोक्य सा आत्मानं कृता कृत्यम् अमन्यत् भर्तुः नाम स्वामी प्रीतिं प्रीति नाम स्नेह प्रेम विलोक्य प्लस लोक धातु ल्यप प्रत्यय ल्यप प्रत्यय विलोक्य सा आत्मानं कृत्या कृत्यम् भर्तुः स्वामीर प्रेम को देखी किए देखिला कपोती जो शुणुला पिंजराबद्ध हो जाता ता स्वामीर जो शुणुला स आत्मानं कृत्या कृत्यम् अमन्यत् से मने मने ता आत्मा को धन्य मने कला कृत्या कृत्यम् कृतम् कृत्यम् ययातम् कृत्या कृत्यम् बहुत ही समास अथ सह अब्रवीत एकांत शकुनिलुब्धक अद्य तव अन्तिकं समासित एवं सा अब्रवीत कपोती कहला से समय रे निज स्वामी जो स्नेह प्रेम को देखी तापे से कहला हे कांत हे स्वामी शकुनिलुब्धक ये जो पक्षी व्याध पक्षी मान को जो मारुचे ये व्याध अद्य तव अन्तिकं तुम गृह तुम जो ठारे बास करछिटार को समासित सम प्लस आश्रित समाश्रित अद्य तुम एठारे आश्रित नहीं आश्रय नहीं सह सिद्धार्थ से एबे बहुत शीतार्थ शीतरे पीड़ित एवं क्षुधार्थ एवं भोगिला मध्य तस्य यथाशक्ति शक्ति अनतिक्रम यथाशक्ति कौ समासेची अव्यय भाव समासेची सत्कारम करु तुम्हारे जिते जिते पारिब तुम तार सत्कार कर जिते ता प्रति करिपारिब तार सेवा करिपारिब तार सेवा कर बोली कपोती कहिछि। पत्नी वचनम श्रुत्वा श्रुप्लस्त्वा श्रुत्वा पत्नी वचनम श्रुत्वा कपोतः बाष्पाकुल लोचनम संजातः पत्नीर वचन शुणी कपोत कौन है ता आखिरु बाष्पाकुल लोचन संजात आखि कौन है आखिरे पानी भरीगला किंतु से कांदु नहीं किंतु आखिरे पानी आसी जाइछि। आमे जेते बेले दुख दुखी जाऊ सेते बेले कौन हुए आखिरे पानी आसी जाए सेमिति ता स्त्रीर कथा शुणी से कपोतीर कथा शुणी कौन करिछि कपोतर आखिरु
पानी आखिरे पानी आसी जाइछि से को भाबुछि मो पत्नी को ए व्याधटा पिंजरा रे आबद्ध कर देछि तथापि मो पत्नी कोन करछि तार सेवा करबा को कहुछि भाबी कि कपोतर आखिरो पानी आसी जाइछि सह कपोत पक्षी जीवन अपकारिणम अपि यत्मिन पूजया मास से कपि सही अपकारी पक्षी कपोत कोन कला जत्न रे जत्न सहकार तार सेवा कला तस् सत्कारार्थम प्रणयन सह उवाच तार सत्कार सत्कार से प्रणय रे स्नेह से कहिला शरणागत कर्तव्य मातिथ्यमिह यत्नन यत्नतः पंचयज्ञ प्रवृत्तेन गृहस्थेन विशेषत शरण प्लस आगत शरणागत कर्तव्य प्लस कर्तव्य प्लस आतिथ्य प्लस इह कर्तव्य आतिथ्यमिह यत्नतः पंचयज्ञ पंचयज्ञ कौन देवयज्ञ पितृयज्ञ ऋजज्ञ भूतयज्ञ ब्रह्मयज्ञ से मध्यरु आम गृहस्थ मानकर जो ऋजज्ञ होछि अतिथि जीवा अतिथि सेवा होछि गृहस्थर प्रथम धर्म एठारे कोन कराइछि ए श्लोकर अर्थ होछि जो शरणागत से कपोत शरणागत आम गृहस्थ मानकर धर्म होछि अतिथि सेवा एवं एठारे कोन करिछि से व्याधटा तार अतिथि एवं हो जाए कारण ता घर घरे आश्रित नहीं गृहस्थर प्रथम कर्तव्य होती अतिथि सेवा से पंचयज्ञ मध्य गृहस्थर गोटे धर्म जो नृयज्ञ अच्छी जो अतिथि सेवा अच्छी ता प्रत्येक गृहस्थ पर उचित यठार कौन है तार सारांश होण कला से कपोतटा विलाप कर तार विलाप शुणी तार भार्या तार विलाप किए शुणिला ता जो पिंजरा बद्ध थी ता पत्नी शुणी एवं से तार स्वामीर दुख जाणी एवं ता स्वामी मनरे ता प्रति जो प्रेम भाव अच्छी जो सम्मान अच्छी जो स्नेह अच्छी ता जाणी से मन मन निज को धन्य करिछि एवं से ता स्वामी को कहिछि ए स्वामी आम एबे ए व्याध ए जो पक्षी मान को मारुछि ए क्रूर व्याध होइछि तम घर अतिथि कारण से एबे तम घरे तम गृह आश्रय नहीं तार अतिथि सेवा कर जेते जहाँ हेब तार सेवा कर बोली से कही पत्नीर वचन शुणी व्याधटा सरी कपोतटा मध्य तार सेवा करने को राजी हो जाए ता आखिरे अश्रु आसी जाए कारण से जानी ता पत्नी जिते बोले पिंजराबद्ध थाई मध्य से कहुची ता देखि से ता आखिरो पानी आसी जाइछि एवं से व्याधर सेवा करिछि एवं ए श्लोकरे कहा जाइछि कि गृहस्थ पाई पंचयज्ञ जो अछि देवयज्ञ ब्रह्मयज्ञ भूतयज्ञ ऋजज्ञ जो पांचटी यज्ञ अछि से मध्य रहिछि गृहस्थ पाई सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होछि अतिथि सेवा से तेणु समस्ते अतिथि सेवा करिबा उचित घर को जी आसिले को गेस्ट आसतु बा जो अतिथि आसिले तार सत्कार करिबा उचित एवं एही परि भावरे एठारे कपोत तार आतिथ्य प्रदान करिछि।